अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप लोग अपने मोबाइल में कुरान कैसे पढ़ें। बहुत सारे भाई का सवाल था, भाई कुरान पढ़ने के लिए हम कहां से कुरान को लोडिंग करें, कुरान ऐप को लोडिंग करें। तो बहुत सारे भाई यही बताएंगे प्ले स्टोर में जा कर के आप लोडिंग करके कुरान पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं बिना प्ले स्टोर में जाए आपको कुरान पढ़ने का ऐप बताऊँगा, वो ऐप इंस्टॉल करना भी नहीं होगा आपको। जो भाई सऊदी अरब में रहते हैं, ये उसके लिए वीडियो है, क्योंकि मैं जहां से कुरान पढ़ना बताऊंगा आप लोगों को वो बिना प्ले स्टोर में बिना ऐप इंस्टॉल किए आपको कुरान पढ़ने का मैं तरीका बताऊंगा कुरान कहां से पढ़ेंगे। तो जो सऊदी अरब में रहते हैं उनके फ़ोन में तवक्कल ना होता है, हर किसी के फ़ोन में जो सऊदी अरब में काम करता है, किसी भी यानी किसी भी कंपनी में जॉब करता हो, कोई भी काम करता हो, आज के दौर में अभी के डेट में सबके फ़ोन के अंदर तवक्कलना होता है। तो जो तवक्कलना में नया अपडेट आया था, जो पुराना वाला तवक्कलना था और जो नया अपडेट तवक्कलना आया था, जो इस तरह का इंटरफेस आता है खुल करके, तो नए वाले तवक्कलना में हम कुरान पढ़ना बताएंगे आपको। हमने यूट्यूब पर बहुत रिसर्च किया, बहुत देखा वीडियो, किसी ने ये नहीं बताया है कि नया तवक्कलना में ये चीज़ फीचर है। सब ये बताते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हैं नए तवक्कलना में, नए तवक्कलना में खोल के आप अपना जो ग्रामा आता है आप पे वो देख सकते हैं, नेशनल एड्रेस देख सकते हैं, अपना कामा देख सकते हैं, ये बताया है, पर कुरान पढ़ने के बारे में किसी ने नहीं बताया है। हम इस वीडियो में दो चीज़ बताऊंगा आपको, तीन चीज़ बताऊंगा। अज़ान का वक्त मान लिया कहीं आप सफ़र पर जा रहे हैं और आपका नमाज का वक्त हो गया और आपको अब नमाज़ पढ़ना है, तो क़िबला किधर है, नहीं मालूम पड़ रहा है, तो एक क़िबला भी दिखाऊंगा आपको कि क़िबला किधर है। उस नए तवक्कलना में क़िबला भी डाला हुआ है अपडेट में, जो नया अपडेट आया था, और उसमें अज़ान का वक्त नमाज का वक्त कब होता है, तो उसमें आप नमाज का वक्त भी देख सकते हैं, अज़ान का वक्त भी देख सकते हैं। तो ये इस वीडियो में आपको तीन चीज़ बताऊँगा एक ऐप से। आप अगर अपने फ़ोन के अंदर तवक्कलना को नहीं खोलना चाहते हैं, चाहते हम इन तीनों को अलग अलग से देखें, तो आपको फ़ोन में तीन ऐप इंस्टॉल करना होगा, तभी जा कर के आप पढ़ सकते हैं कुरान या नमाज का वक्त देख सकते हैं या क़िबला देख सकते हैं। पर ये तीनों ऐप को बिना इंस्टॉल किए उसका कोई ज़रूरत इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तवक्कलना में ही देख सकते हैं, जो नया तवक्कलना आया था अपडेट के बाद में, सऊदी गवर्नमेंट ने पुराने तवक्कलने से आधा सिस्टम हटा करके नए तवक्कलने में डाला था, तो उसी नए तवक्कलना को हम ओपन करेंगे, उसी में है कुरान और अज़ान का वक्त और क़िबला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, हम अपना नया तवक्कलना ओपन करते हैं। देखिए नया तवक्कलना का लोगो इस तरह का आता था, नया तवक्कलना खोलेंगे, हम पहले इंस्टॉल करके रखे हुए थे, जैसे नया तवक्कलना ओपन करेंगे तो देखिए ओपन हो रहा है, ये इस तरह का लोगो आता है, नया खिदमाते तवक्कलना के नाम से, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा नया तवक्कलना का। तो ये मेरा अकामा है जो यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है कि आप चाहते हैं इसको बंद रखना तो बंद रख सकते हैं, खोलना चाहते हैं तो यहाँ जो आँख का जो फोटो बना हुआ है वो घंटा के जैसे देखिए खुल गया, तो हम इसको हमेशा बंद ही रखते हैं। देखिए नीचे में लिखा है, सबसे नीचे में होम है, होम के बगल में सर्विस, इसी सर्विस पर क्लिक करिए। ये सब जो ऑप्शन था, सिस्टम था, पूरा पुराने तवक्कलना में था, जब से ये अपडेट ला करके नया तवक्कलना उन्होंने लॉन्च किया है वहाँ का पूरा ये सब सिस्टम इसके अंदर डाल दिया है। इसी सर्विस पर हम क्लिक करेंगे, सर्विस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर में है तवक्कलना पासकोड, ये सब जो आपको दिखाता है, जो भी फीचर वगैरह था उस सब में, उस सबको यहाँ डाल दिया है। इसी में हम नीचे करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है होली कुरान, दो पे है प्रेयर टाइम और उसके नीचे में है क़िबला। कुरान पढ़ना है हमको तो हम इसी कुरान पर क्लिक करेंगे, जैसे कुरान पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ये कुरान खुल के आ गया। यहाँ से आप इधर करेंगे, यहाँ से स्टार्ट है सूरह फातिहा से, ये पारा भी पारा है, यानी आपका ये लगातार चलेगा, यानी इसमें आपको सूरह वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है, सूरह सिस्टम अलग है, बाद में बताऊँगा आपको। ये देखिए ये पहला पारा शुरू किए, अलहमद से शुरू हो गया, शुरू हुआ, अब देखिए ये चलते जाएगा। देखिए अगर आपको ये है कि हम सूरह बाई सूरह पढ़ेंगे, हम पूरा लाइन से नहीं पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कोना में जो कट का बटन लोगो लगा हुआ है उसके नीचे में किताब का जो फोटो बना हुआ है, किताब जैसा, इसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका सूरह बाई सूरह आ जाएगा। देखिए अल-फातिहा, अल-बकरा, अल-इमरान, अल-निसा, अल-माइदा, अल-अनाम, अल-आराफ, अल-अनफाल, ये सूरह बाई सूरह है, जो सूरह पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। ये आपका आ गया सूरह सफ़ 28 पारा का, देखिए
तो आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, कुरान पढ़ने के शौकीन हैं, तो आप बिना प्ले स्टोर में जाए, बिना ऐप इंस्टॉल किए आप कुरान पढ़ सकते हैं अपने तवक्कलना से। तो तवक्कलना सिर्फ सऊदी अरब में ही है, इंडिया में तवक्कलना है नहीं। जो सऊदी अरब में रहते हैं वो इंडिया में गए हैं तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन इंडिया वाले जो वहाँ काम करते हैं, वहाँ रहते हैं, वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तवक्कलना उनके पास है ही नहीं। तवक्कलना फिर सिर्फ सऊदी में था। तवक्कलना जिसके फ़ोन के अंदर भी है, कुरान पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग पुराने तवक्कलना में जा करके नए तवक्कलना को इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर अपना लॉग इन कर लीजिए कॉमन नंबर से, पासवर्ड से, मोबाइल नंबर से, और फिर आके आप यहाँ से आकर कुरान पढ़िए। और आपको बता दूँ, अज़ान वाला यहाँ पर है, प्रेयर टाइम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अज़ान का वक्त आएगा। आप यहाँ से अपना जो आपका एरिया होगा, जो सिटी होगा, यहाँ से चॉइस कर लेंगे, उसके बाद में आप यहाँ से देख सकते हैं फजर कितने बजे है, सूरज निकलने का टाइम है, जोहर का टाइम है, असर है, मगरिब है, ईशा है, तो यहाँ से टाइम भी देख सकते हैं। तो इसी तवक्कलना में किबला और कुरान और प्रेयर टाइम, देखिए यहाँ पर लिखा है किबला नीचे में, तो यहाँ से आप किबला भी देख सकते हैं। बोला सफ़र पर जाएंगे आप लोग, नहीं समझ में किबला किधर है, पश्चिम किधर है, तो आप इसको टच करके देख सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।